डॉलर की डबल सेंचुरी के बाद पेट्रोल की भी पाकिस्तान में डबल सेंचुरी हो चुकी है। नवाज शरीफ की, मैं तो कहता हूँ सर इनको ना इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको आग भी लगाओ पड़वे के बच्चे। ये क्या किया आप लोगों ने, बर्बाद कर दिया मुल्क को। आप, मैं इस आवाम से कहता हूँ आजमा के देखें, आप बाहर निकलें, दो चार ये पंप उड़ाएं, जलाएं इसको, ये कानून के इदारे को बंद करवाएं, ये जोर बंद करें, इसके लिए निकलें। ये तो बल्कि मैंने अभी एक स्टेटस लगाया था कि अगर कोई साइकिल बेचना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, फाइव स्टार टीवी चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जोया अली। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है पेट्रोल। डॉलर की डबल सेंचुरी के बाद पेट्रोल की भी पाकिस्तान में डबल सेंचुरी हो चुकी है। जी तो गाइस, पेट्रोल कुछ दिन पहले ही 30 रुपए महंगा हुआ था, अब दोबारा से उसकी कीमत में 30 रुपए मजीद इजाफा किया गया है। जी तो गाइस, आइए चलते हैं आवाम से इस बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, कुछ दिन पहले भी आपको पता है 30 रुपए महंगा हुआ था, अब अगेन 30 रुपए महंगा हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हुआ ये बहुत बड़ी ज्यादती है आवाम के ऊपर, ये बहुत बड़ा जो है अजाब ये मुसल्लत किया गया है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल और आम लोग तो जो है परेशानी तो उनकी एक छोटा सा वर्ड है, ये एक बहुत बड़ा जो बोझ है ये आवाम पे डाला जा रहा है। जो हुकूमत आई है और ये जो बड़ा दावे करते थे और ये क्लियरली आपके सामने है कंडीशन क्या हुई है, 12 बजे के बाद पेट्रोल मिलना शुरू है, लोगों की हालत जो है वो बहुत बुरी है, जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए जो ज्यादा पेट्रोल महंगा मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत दोबारा से पाकिस्तान में आ सकेगी या इनका खात्मा हो चुका है? अगर जैसे इनको लाने वाले हैं अगर यही बात रही तो ये दोबारा आएंगे और मुल्क जो है वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी जो कंडीशन और मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इनको दोबारा नहीं आना चाहिए। ये तो बल्कि मैंने अभी एक स्टेटस लगाया था कि अगर कोई साइकिल बेचना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें। अच्छा गुड, ये भी बात सही है। चलें, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नेम है आपका? अब्दुल रहमान। सर ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, कुछ दिन पहले भी महंगा हुआ, दोबारा महंगा हो गया, इस बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? मैं रिव्यू ये दूंगा कि ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है ना, ये सारा कसूर हमारी आवाम का है। वो कैसे? ये बात बड़ी आपने प्यारी की है, वो ऐसे कि जब तक ऐसी आवाम खामोश रहेगी ना, इसका बेड़ा गर्क होता ही रहना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो इसका क्या करना क्या चाहिए आवाम को, आप ये भी बता दें। आप पिछली थोड़े से ना कबल पीछे कुछ अरसा पहले चले जाएं, कुछ 20-30 साल पहले चले जाएं, पहले भी पेट्रोल बढ़ते थे तो क्या होता था, आवाम बाहर आती थी, लाठियां लेके आ जाती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। वो कैसे होता था, हुकूमत को भी पता चलता था कि आवाम जिंदा है, जाग रही है, ठीक है ना। ये जो हमें कट पुतली बनाया हुआ है ना, कानून ने भी, हुकूमत ने भी, ठीक है ना, ये आर्मी साहब ने भी, सब ने हमें कठपुतली की तरह खेल रहे हमसे, ठीक हो गया। ये हमें देखो, आवाम को सबको पता था पेट्रोल बढ़ना है और बढ़ना है, फिर आवाम खामोश। मैं तो आवाम को गलत कहूंगा, आवाम इन लोगों के पीछे, हुकूमत के पीछे, इन कानून के इदारों के पीछे उल्लू और पागल बनी हुई है। ये लोग बाहर जाके मीटिंगें करते हैं, बाहर जाके इनकी मीटिंगें होती हैं कि कौन सा चेयरमैन ने आना, किस सीएम ने बैठना है, किसने बैठना है, आर्मी सब रल के ये काम करती हैं, रल के खाते हैं, सब कुछ करती हैं और आवाम पिसती जा रही है। ये गाड़ियों वाले क्या बताएंगे कि पेट्रोल महंगी हो गई है, महंगाई आ गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, इनको तो उतना ही बढ़ रहा है, इनके सबके इन्वेस्टमेंट उतनी है। ये हम जो गरीब लोग हैं ना, ये हमें पूछे कि आटे का रेट बढ़ता तो हमारे पर क्या असर है, पेट्रोल बढ़ता तो हमारे पर क्या असर है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि जैसे हम आवाम हुकूमत के लिए, अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए धरने देने के लिए निकल जाते हैं, क्या अभी हमें निकलना चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूं कतई नहीं निकलना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, इसमें आवाम जो होती है 30% होती है, 70% ये सारी एजेंसियां मौजूद होती है जो ये धरने कुन्ने होते हैं। हम पागल बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये आवाम भी समझदार है, इसको भी सब कुछ पता है। मैं तो सब कुछ कहूंगा आवाम गलत है, ये पागल है, बेवकूफ लोग हैं। आवाम को अपने हक के लिए अब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना? मेरी बात सुनो, अगर अपना बच्चा इस आवाम का, एक बंदे का एक बच्चा मरता है ना हॉस्पिटल में, तो वो पागल हो जाता है। अगर ऐसे हम लोग समझे ना कि यार ये हमारा मुल्क है, ठीक है,
हम आज अगर कुछ नहीं ना करेंगे हमारी नस्लें आने वाली हमें गालियां निकालेगी कि क्या किया आप लोगों ने, बर्बाद कर दिया मुल्क को। आप, मैं इस आवाम से कहता हूँ, अजमा के देखें, आप बाहर निकलें, दो चार ये पंप उड़ाएं, चलाएं इसको, ये कानून के इदारे को बंद करवाएं, ये जोर बंद करें, इसके लिए निकलें। ये बाहर, ये हुकूमतों के लिए बाहर निकलना, नाचना, ये कोई कानून का तरीका नहीं है। अपने हक के लिए निकलो, ठीक है ना, अपने लिए निकलो। आप लोग पागल हो यार, तुम हुकूमत के पीछे लड़ रहे हो, ये तुम्हें पागल बनाया हुआ, कुटपतली बनाया हुआ इन्होंने, कानून ने भी, हुकूमत ने भी, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। चले सर, थैंक यू सो मच आपके लिए, बड़ी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मुजार अहमद। आप रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा चलाने। आप बताएं, ये पेट्रोल महंगा हुआ है, आवाम पे अब क्या असर होगा? आवाम कैसे, भूख तो मरती पे, रोटी नहीं पूरी होती पे, क्या इमरान खान बैठा, हूँ लोहार बैठा। आप क्या कहते हैं, इमरान खान सही था या ये साडी वास्ते तो एक और सही भाई? ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे आप बताएं कि आवाम का तो चलो नुकसान हुआ, आप लोगों का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हमारा तो कुछ नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है, ये कि सुबह 9 बजे से तक पिट गया आवाम की रश की वजह से। अच्छा, आप तो ओनर की फायदा है ना। अच्छा, आप लोगों की सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ? जायज बात, अगर पेट्रोल बढ़ा तो शायद सुबह बढ़ गया। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, आवाम के लिए ये बुरा हुआ है, तो आप भी तो आवाम में आते हैं, खुद भी तो डलवाते हैं ना पेट्रोल, आवाम के साथ भी बुरा हुआ है, हम भी तो आवाम में हैं, 210 इधर से डालते हैं, खुद भी तो पेट्रोल भी डलवाते हैं। भाई, ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम क्या कह सकते, हम तो साइकिल लेना चाहते हैं, अभी मोटरसाइकिल क्या करें, मोटरसाइकिल चलाएंगे या बहन जो बच्चों को मिलाएंगे, क्या करेंगे? 210 रुपए एकदम, 2 महीनों में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, कोई बात है करने वाले बता। आप क्या कहते हैं कि अब इस हुकूमत को दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये नवाज शरीफ की, मैं तो कहता हूँ सर, इनको ना इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको आग भी लगाओ, बढ़ने के बच्चे। अच्छा, अब आप कैसे घर का खर्चा पूरा करेंगे ये बताएं? घर का खर्चा मैं, मुझे लगता है लोगों के पंप खोलने पड़ेंगे, चोरियां फोरियां दोबारा होंगी, यही है। ये बात आपने सही कही, हक लाल की रोजी से तो रोटी नहीं ना पूरी होगी, यही बात है। 1,000 रुपया 500 कमाते हैं हम लोग, 500 में 200 का पेट्रोल डलाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? अवैस। सर, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस बारे में बताएं कि बाइकिया वालों पे क्या असर होगा? बाइकिया वालों पर जी बहुत बुरा असर है, इस टाइम सारे राइडर बेचारे परेशान है, काम है कोई नहीं, बेचारे सारे सारे दिन, सारी सारी रात आके बैठ के वापस चले जाते हैं, कोई कारोबार नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अब इनका घर का खर्चा ये हुकूमत ने तो पूरा करना नहीं, अब ये क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं बेचारे, अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं। आप क्या कहते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाथमा होना चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूँ ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं हमें। तो अब आवाम को क्या स्टेप लेना चाहिए इस चीज को खत्म करने के लिए, जो महंगाई हो रही है? अच्छी आवाम हमारी अच्छी हो तो उनको चाहिए कम से कम बाहर निकले, आवाज उठाए, लेकिन हम कहते हैं कि आवाम के पास बहुत पैसा है, जो आवाम इकट्ठी होकर बाहर नहीं निकल सकती।